और ये लाए मौसा जी ने कंडाली गांव से। तो तूने खा रखी है कंडाली? बिल्कुल, जब तू छोटी थी शायद तब खाई होगी ना। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन सोनिका ब्लॉग्स। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज 9:30 बजे से और मैं 9 बजे तक मेडिकल पे आ गई थी। बस तो यही है मेरा, आज भी बैठी हूँ यहाँ पे फिलहाल। अभी हो गए गाइज 11:15 और धूप तो अभी आई नहीं साइड, खैर मैं अंदर ही बैठती हूँ। और मौसा जी भी आ गए हैं आज, तो वो अभी घर पे हैं तो थोड़ी देर में शॉप पे आएंगे। और देखती हूँ मैं आज छुट्टी कर सकती हूँ, क्योंकि आज संडे है तो संडे की छुट्टी कर सकती हूँ मैं। तो अगर मौसा जी शॉप पे आएंगे उसी के बाद घर जाऊँगी। अभी हो गए गाइस 11:15 और मैं घर पे आ गई हूँ। तो आज मैंने छुट्टी कर ली है क्योंकि मौसा जी शॉप पे आ गए हैं, तो मैं वहाँ से घर आ गई थी। और मौसा जी से मैंने मंगवा रखी थी गाँव से कंडाली, तो मौसा जी ने लेके आई कंडाली गाँव से। और ये लाए मौसा जी ने कंडाली गांव से हमारे लिए। और ये ना उन्होंने रोस्ट करके दे रखी है, भून के दे रखी है। आग पे जलाते इसके कांटे ना तब चुभते नहीं है, वरना ना ये बहुत ज्यादा चुभती है। जो जो लोग गांव से हो गए उन्हें तो पता ही होगा कि कंडाली का झटका क्या होता है, और जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें नहीं पता होगा कि कंडाली क्या होती है। और कंडाली का ना साग बहुत टेस्टी होता है खाना, कभी अगर कोई आपके रिलेटिव गांव रहते तो मंगवाना कभी। और कंडाली का साग ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और मेडिसिन पर्पज में भी काम आती है ये। आज दिन में ना हम कंडाली और राई की काफली बनाएंगे जो मौसा जी लेके आएगा उसे। तो आज कब से खा रही हूँ मैं कंडाली की काफली, पता नहीं कब खाई थी लास्ट टाइम, तो बहुत टेस्टी होती है तो आज यही बनाएंगे। थैंक यू मौसा जी। और हमारी गढ़वाली भाषा में ना कंडाली को कैडी कहते हैं, और कहीं कहीं जगह पे इसे सिसोण भी कहते हैं। सिसोण, कैडी और कंडाली और कहते इसे कुछ बिच्छू। हाँ, हिंदी में बिच्छू घास कहते हैं और कंडाली भी कहते ही हैं, जहाँ जहाँ पे बताने को वहाँ पे बिच्छू घास कहते हैं ना आपको। तो तूने खा रखी है कंडाली? बिल्कुल, जब तू छोटी थी शायद तब खाई होगी ना। हाँ, ये पीछे से धूप चमक रही खिड़की। 17-18 में खाई थी लास्ट टाइम ना, अब खाएगी 17-18 यार 19 में खाई। नहीं रे, नहीं नहीं, ये 2022 जनवरी में खाई थी मैंने यार। अच्छा जब गांव गए थे। हाँ। अच्छा तब, हाँ तब निकाली थी हमने यार, मैंने भी तभी खाई थी। और ये प्राणी जो बाहर बैठ रही है ना दिखाई नहीं दे रही, मेरी तो उसने भी तभी खाई थी। और मैं नाश्ता करके नहीं गई तो इन्होंने मेरे लिए नाश्ता बचा रखा है। इन्होंने बनाए करेले, और करेले पूरे काले बना रखे हैं, तो जैसे करेला का नाम है वैसे ये बना भी रखे हैं। और ये सब्जी रख रखी है, और ये अचार है मिर्च का, ये भी खाने लायक हो गया मिर्च का अचार। और ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये अरबी के छोले मुझे लगता है, तो ये अरबी के छोले हैं। और ये भी रख रखे हैं थोड़ा मेरे लिए, और ये ऑमलेट है। तो अभी मैं नाश्ता करूंगी फर्स्ट क्लास ढंग से, और सुबह मैं जल्दी में चले गई थी नाश्ता नहीं किया। और ये चाय भी है साथ में, तो गढ़वाले की तो चाय बहुत होती है, पहाड़ी लोग जो होते हैं चाय ज़्यादा पीते हैं क्योंकि ठंडा भी हो ही रहा है। तो अब नाश्ता करती हूँ फटाफट से। गाइस अभी टाइम हो गया 12:30 और मैं धूप पे लेट ही रखी थी, और यहाँ पे ये अपनी पढ़ाई कर रही है, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, और मेरी ना तबीयत ढीली चल रही है, इसीलिए तो मैं आज घर पे आई, छुट्टी करी मैंने। पर पापा के लिए खटाई नहीं बनाई थी, पापा जब से घर आए हैं खटाई नहीं बनाई। कभी मौसम ही मतलब कभी धूप ही नहीं लगी, कभी टाइम ही नहीं लगा, और हम भी घर पे रहते नहीं हैं, और ये भी कॉलेज जाते हैं, मैं भी ड्यूटी चली जाती हूँ, तो आज घर पे हैं। तो आज सोचे चलो पापा के लिए खटाई बना देते हैं, तबीयत तो ठीक नहीं है पर पापा के लिए बनानी है खटाई। तो फटाफट से माल्टे वगैरह छील लेती हूँ मैं, मसाले वगैरह यही बनाएगी, और बस तो माल्टे छीलने की तैयारी करती हूँ। और ये बन गई हमारी खटाई यहाँ पे, तो ये हमने डाल दिया है, और ये रितिका ने अभी पिसाया है, इसका पाउडर बनाया है, और ये इस पर मलाई है, और ये हरी हरी ना धनिया वगैरह पिस रखा है, धनिया और हरी मिर्च वगैरह, तो ये सब कुछ डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे फिर उसके बाद खाएंगे। और ये बन गई हमारी खटाई यहाँ पे, बहुत अच्छी ढंग से मिक्स हो रखी है। खटाई भी बन गई हमारी, और खटाई भी हमने खा ली है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा क्यारी में राय लेने, क्योंकि जो कंडाली ला रखी है तो कंडाली के साथ के लिए राय चाहिए, तो मैं राय तोड़ के लाती हूँ। अभी बच गए गाइस 3:15 और लंच की तैयारी भी चली रही है। तो यहाँ पे बहन बना रही है लंच, प्रतिभा लंच बना रही है अभी। और तो मैंने बोला था ना कि आज कंडाली और राय की सब्जी बनेगी, यानी कि काफली बनेगी। तो ये इसने कंडाली ना ग्राइंड कर ली है, यानी कि कैरी। तो कैड़ी का कलर इस प्रकार होता है जब ये ग्राइंड हो जाती है, और पक्के इसका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है। और ये तो खैर मौसा जी ने लड्डू और वो ऐसे दिए थे जो गांव से लेके आए। और अभी यहाँ पे लहसुन थेच रही है लहसुन को बना रही, पेस्ट बना रही है। और इसमें चावल है क्या? यस, इसमें चावल। और राय कहाँ रखी तूने? राय अभी थोड़ी हो रही है,
राय भी ठंडी हो रही, प्रेशर में डाल रखी, तो राय भी ग्राइंड करेगी अभी। ये यहाँ पे मस्त ढंग से धूप सेक रही है और मैं भी धूप सेकने आ गई हूँ। और ये पापा ने यहाँ पे करेला का अचार डाल दिया इस डब्बे में, कब से उसके डब्बे पे डाल रखा है। तो इसके साथ बैठ जाती हूँ और मैं भी धूप सेक लेती हूँ, क्योंकि अभी नहाई हूँ और ठंडा भी हो ही रहा है, तो मैं धूप सेक लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे ब्लॉग ही देख रही है। तो अभी बज रही है शाम की 5 और हम बाहर पे बैठ रखे थे, खाना खाने के बाद हम सीधे बाहर ही आए धूप सेकने। और आज ना बहुत मस्त फील हो रहा है यार, कब से मैं घर पे हूँ, मतलब 1 दिसंबर से मैंने ज्वाइनिंग कर ली थी, तो तब से आज 17 दिसंबर हो गया, तब से मैं आज पहली बार घर पे हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो ये भी धूप सेक रही है, अब यहाँ से धूप ना जाने वाली है, चले गए सूर्य देव भी और धूप बहुत हल्की हो गई। अब हम अंदर जाते हैं क्योंकि ठंडा स्टार्ट होने लग गया है। और पीछे हमारे अचार का डब्बा भी सूख रहा है, इसको भी अंदर लेके जाते हैं, बाहर पालने से खराब होगा, रात को पाला पड़ता ना इधर बहुत ज़्यादा। तो मैं देखती हूँ शाम तक मैं अपने रूम पे भी जा सकती हूँ, तो देखते हैं, वैसे देखूंगी शाम तक क्या है, कल सुबह फिर ड्यूटी जाना है मैंने। यहाँ पे सूर्य देव भी अस्त होने वाले हैं थोड़ी देर में, और सूर्य का कलर भी रेड सा हो गया है, तो अब हम भी अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30 और डिनर भी ऑलमोस्ट बनी गया है, रोटी बनाने को है, तो रोटी बना रही है रितिका अभी, रितिका जाएगी रोटी बनाने के लिए, तो थोड़ी देर बाद हम डिनर करेंगे। बस इसी के साथ आज का व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।